हेलो स्टूडेंट्स, नोटबुक में आप पहले एच डब्ल्यू डालोगे, ओके, फिर डेट लगाओगे और बच्चा अपना नेम भी यहाँ पे लिखोगे और इसमें राइट करोगे डब्ल्यू आर आई टी ई राइट ए टू जेड अल्फाबेट ए एल पी एच A B E T S अल्फाबेट्स, ओके। अब आपको इसमें A से लेके Z तक अल्फाबेट राइट करोगे, जैसे
फोर लेटर, यहाँ पे फिर फोर नीचे, ऐसे ही आपको एक साथ में ऐसे टू लाइन में, कई बच्चे टू लाइन में कर देते हैं, ऐसे नहीं करना है। ऐसे जो मैं ये टिक लगा रही हूँ फोर फोर लेटर का, ऐसे आप राइट करोगे नीट एंड क्लीन, सुंदर सुंदर जो जितनी लाइन है इतनी लाइन में आप राइट करोगे। ओके, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ओके, इसमें आप राइट करोगे। हेलो स्टूडेंट्स, अब वर्कबुक में आपको इसमें राइट करना है। देखो आर फॉर रोज, कैसे राइट करोगे? देखो पहले शेडिंग लाइन है, फिर जो ये टिक बने हुए हैं इसको भी फोर बॉल की तरह ऐसे घुमा दो, फिर इसको वापस इधर से ऐसे। कैसे राइट करोगे? पहले शेडिंग लाइन, फिर बी फोर बॉल बनाओ, फिर इसको ऐसे नीचे लेके आ जाओ। ओके, ऐसे आप आर। अब देखो पहले शेडिंग लाइन, फिर इसको राउंड करो। ओके, फिर स्लेंडिंग लाइन, ऐसे आपको सारे लेटर्स कंप्लीट करने हैं। आर फोर रोज भी होता है, आर फोर रैबिट भी होता है, आर फोर रेड भी होता है, आर फोर रेन रेन भी होता है, ऐसे ही आपको सारे लेटर कंप्लीट करने हैं। ओके, पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर इसको राउंड करो, फिर स्लेंटिंग लाइन, इसके पास में टच करके स्लेंटिंग लाइन। ओके, ये सारे लेटर इसमें ट्रेस किए हुए हैं, एकदम इजी है, आप अच्छे से इसको कंप्लीट कर सकते हो। पहले तो इसको सारे ये जो लेटर है ये कंप्लीट करोगे ट्रेस किए हुए एच डब्ल्यू डाल के और डेट लगा के। फिर इधर वाले में भी आर फोर रैबिट, आर फोर रोजी है, इसको कैसे करोगे? देखो स्टूडेंट ये टिक लगी हुई इस पे वन वन, और इसमें ट्रेस किया हुआ नहीं है, ये केवल वन ही है। पहले स्टेडिंग लाइन, फिर इसको राउंड को ऐसे घुमाओगे। ओके, फिर इसको ये स्लेंटिंग लाइन करोगे इसके। ओके, पहले क्या करोगे? स्टेडिंग लाइन, फिर इसको राउंड को ऐसे घुमाओगे। ओके, फिर इसके ये पास से लेके स्लेंटिंग लाइन करोगे, तो ये क्या बन गया? आर फोर रैबिट। पहले स्टेडिंग लाइन, फिर इसको टर्न करोगे ऐसे घुमाओगे एक बार, फिर इसको ऐसे स्लेंटिंग लाइन करोगे। ओके, ये आर फोर रैबिट, आर फोर रोज भी बोलते हैं, आर फोर रेड, आर फोर रेन भी बोलते हैं। ओके, इसको आर फोर रैबिट, आर फोर रोज, आर फोर रेड, आर फोर रेन। ओके, ऐसे सारे लेटर कंप्लीट करने हैं एच डब्ल्यू डाल के और डेट लगा के। अब आर फोर रेड ऐसे, फिर बाद में एस फोर सिप, क्या करोगे? एस फोर सिप, कैसे राइट करोगे? देखो एस फोर सिप, अब देखो एस फोर सिप, एस फोर सन भी होता है, एस फोर सिप भी होता है, एस फोर सीप, सीप यानी भेड़, सिप यानी जहाज। ओके, तो आप इसको कैसे राउंड करोगे? देखो राइट ऐसे एक बार घुमाओ राउंड को, फिर वापस इधर लेके आ जाओ, फिर इस तरफ इस राउंड को ऐसे घुमाओगे, ये क्या बन गया? एस फोर, एस फोर, देखो एस फोर स्नेक भी बोल सकते हैं, ये एकदम स्नेक की तरह ही है, एकदम एस फोर स्नेक, एस फोर सी, एस फोर सन। ओके, ऐसे सारे लेटर आप इसमें कंप्लीट करोगे, सुंदर सुंदर नीट एंड क्लीन, एकदम टिक पे जो राउंड किए हुए टिक लगे हुए इस टिक से बाहर बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ऐसे आप सारे लेटर कंप्लीट करोगे। ओके, अब इसमें देखो ये तो राइट, ये टिक लगे हुए हैं इसपे बिना टिक के हैं, एक वन ये लेटर टिक लगा हुआ है इस पे, आप इस पे पहले इस पे ट्राई, इधर वाले पे पेज पे ट्राई कर लेना, फिर इधर। ओके,
कैसे करोगे, इसके ऊपर वन वन लगे हुए हैं, यहाँ से ये थ्री लाइन में ही आता है, देखो वन टू थ्री, थ्री लाइन ही है ना, नीचे वाली लाइन में नहीं है, देखो वन टू थ्री, थ्री लाइन में है। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, ऐसे ऐसे इसको ऐसे घुमाओ, फिर इस इधर वापस, फिर एस फोर स्नेक, ये देखो हो गया ना। कैसे करोगे राउंड, इसको यहाँ से लो इधर, फिर इसको ऐसे घुमाओ, पहले इधर लेके जाओ, फिर ऐसे करके ऐसे, एस फोर स्नेक, एस फोर सी, एस फोर सन, ये सारे लेटर आप ऐसे कंप्लीट करोगे। लाइन से बाहर बिल्कुल नहीं आना चाहिए, एकदम लाइन टू लाइन होना चाहिए, नीट एंड क्लीन। ओके, थैंक यू।